वेलकम गाइस, हीगो ट्रेड इजी ट्रेडिंग ऐप, ये जो एप्लीकेशन है सेफ है या नहीं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत लोगों ने ये कमेंट करके पूछा था कि भाई सेफ है या नहीं, हम लोग यहाँ पे अपना पैसा डालें या ना डालें, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो गाइज़ देखो, ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, यहाँ पे 4.5 स्टार रेटिंग्स देख के आप लोगों को धोखे में मत पड़ना है। ये एप्लीकेशन इतना भी अच्छा एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे आप लोग अपना पैसा डिपॉजिट करके यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करके पैसा थोड़ा बहुत पैसा आप लोग कमा भी लेते हो, फिर भी आप लोगों को विथड्रॉल के टाइम पर यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत लोगों ने यहाँ पर रिव्यूज़ पर बताया है कि उन लोगों को विथड्रॉल के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर 50-50 चांस है कि आप जो भी पैसा कमाओगे आप लोग विड्रॉ ले पाओगे। बहुत लोगों को विड्रॉ मिल भी जाता है, एटलीस्ट 50-60% लोगों को तो विड्रॉ मिल जाता है, लेकिन 40% लोगों को विड्रॉल पे यहाँ पे प्रॉब्लम भी आता है। यहाँ पे बहुत लोगों ने ऐसे ही लिखा है, 1 स्टार रिव्यूज़ दिया है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ गाइस कि कम्प्लीटली फेक एप्लीकेशन नहीं है, रिस्की एप्लीकेशन है, सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पैसा अगर एक बार आप लोग इस एप्लीकेशन पे डिपॉजिट कर दोगे ना, उसके बाद आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, वो ऐसे डिजाइन से होते हैं कि आपको हारना ही हारना है। आपको अगर सही से और बहुत अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं होगा ना आप लोगों के पास, तो आप लोगों की पैसा यहाँ पर ज़रूर मतलब डूबेगा। तो अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो ही आप लोग इस एप्लीकेशन पे अपना पैसा लगाना। और ओवरऑल गाइस, एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बिल्कुल भी सेफ एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों की पैसों का सवाल है। आप लोगों को यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करके ट्रेड करना होता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर लॉस होगा तो आपको 100% आपकी कैपिटल आपको लूज़ करना यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, रिस्की एप्लीकेशन है, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट पे जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।